देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के बरेली में आवारा कुत्तों और बंदरों से फैले आतंक को रोकने की मांग यूथ पावर ने की। संवाददाता फहीम अहमद की रिपोर्ट। पत्रों से भी जानकारी मिल रही है, आए दिन कोई ना कोई घटना, कोई बुजुर्ग छलांग लगा दे रहा है बंदरों के डर से, कोई महिला पर छपट पड़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं और किसी भी तरह की कोई रोकथाम के लिए प्रयास नहीं करे जा रहे हैं। हमने कई बार प्रयास करे, ट्वीट भी करे, लेकिन तब भी कोई रोकथाम नहीं हो रही। जब ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब आज जिलाधिकारी महोदय बरेली को एक ज्ञापन हमने सौंपा है, जिसमें इन घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए बंदरों और आवारा कुत्तों को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द सख्त से सख्त इसमें प्रयास करे जाए और कार्रवाई करे जाए, ऐसा हम लोगों ने आज एक ज्ञापन में मांग करी है। यूथ पावर वेलफेयर समिति से मैं भरत सक्सेना, शिवम सक्सेना, अमित चित्रा जी जी इससे पहले ट्वीट भी करे हैं काफी और नगर निगम से भी शिकायत की है, लेकिन कोई प्रयास तरीके से नहीं हो रहा है कि जल्द से जल्द निजात मिले। पब्लिक स्वयं लंगूरों को रेंट पर रख रही है, पब्लिक स्वयं आगे आ रही है, लेकिन क्या करा जाए, पब्लिक से कहां तक करे। बंदर बहुत हो रहे हैं क्योंकि रोकथाम नहीं हो रही, बंदर और आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें चाहते हैं कि उनको उचित स्थान पर पहुंचाया जाए, क्योंकि भारत की संस्कृति भी रही है कि पशुओं से प्रेम हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर कुत्ते और बंदर इस तरीके से हमला करेंगे तो पब्लिक भी अपने बचाव के लिए कुछ करेगी। अगर ये घटनाएं लगातार बढ़ेंगी तो पशुओं का भी नुकसान है और जनमानस का भी नुकसान है, तो हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द इन जानवरों को, आवारा कुत्तों और पशुओं के लिए रोकथाम के लिए इन्हें उचित स्थान पर इनके